सो हेलो एवरीवन, सो फाइनली आपके जे मेन 25 का करेक्शन विंडो जो है आपका वो स्टार्ट हो चुका है. ओके, सो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप किस किस फील्ड में आप करेक्शन कर सकते हो. ओके, और कैसे करेक्शन करना है आपके जे मेन के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, वो मैं आपको लाइव बताऊंगा. सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए. सारे अपडेट आपको टाइम टू टाइम मैं शेयर करता हूँ और इसमें ये लास्ट आपके पास मौका होगा करेक्शन करने का, तो इसमें आपको कोई भी गलती नहीं करना है. ठीक है, तो वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा. जिस जिस फील्ड में मैं बताऊंगा आपको सारा कुछ उसमें आप करेक्शन कर पाओगे, कैसे करना है वो भी मैं दिखाऊंगा. ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. और अगर आप अभी तक ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं, काउंसलिंग के लिए अलग से मैंने ग्रुप बनाया है, तो जाकर वहां ज्वाइन कर लीजिए. वहां पे आप कभी भी डाउट पूछ सकते हो, कभी भी अगर आपको काउंसलिंग के टाइम डाउट होता है. ओके, आपके एडमिशन तक बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, तो जरूर ज्वाइन करें. ओके, तो पहली बात की जो आपका आपका ये जो मैं बताता हूं कि आपके ये 26 नवंबर से स्टार्ट है, मतलब आज से, और ये 27 नवंबर तक रहेगा, मतलब कि आपके 11:50 PM तक. आज 27 नवंबर के रात के 11:50 PM तक आप अपना करेक्शन कर पाओगे. अब किस किस फील्ड में हम लोग करेक्शन कर पाएंगे वो भी मैं बताता हूँ. ओके, सो स्टार्ट करते हैं कौन कौन से फील्ड में आप करेक्शन कर पाओगे, ताकि आपको आइडिया रहे कि किस किस फील्ड में आप करेक्शन अलाउ है. ओके, देखो पहली बात कि आपके पास और किस किस फील्ड में आप करेक्शन नहीं कर पाओगे. तो यहाँ पे मोबाइल नंबर में आप करेक्शन नहीं कर पाओगे. ठीक है, आपके पास जो ईमेल एड्रेस है उसमें करेक्शन नहीं कर पाओगे. आपका जो एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, इसमें करेक्शन नहीं कर पाओगे. जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल आपने फिल किया उसमें भी करेक्शन नहीं हो पाएगा. फोटोग्राफ जो है उसमें भी करेक्शन नहीं हो पाएगा. ओके, वो अलग बात है कि अगर NTA बाद में अगर फोटोग्राफ के लिए अलग से पोर्टल ओपन करके आपका करेक्शन के लिए अलाउ कर दे, जो कि पहले भी पिछले साल हुआ था, तो मे बी ऐसा होगा, तो मैं उसमें आपको नोटिफाई कर दूंगा. तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए. ओके, अब आपको देखो इसमें ध्यान रखना है, कैंडिडेट नेम, आपके फादर्स नेम और आपके मदर्स नेम, इसमें आप कोई एक ही फील्ड करेक्ट कर पाओगे. तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका जो नेम सही है तो इन दोनों में से फादर नेम सही करना. अगर फादर नेम सही नहीं है तो फादर नेम को सही करना, और अगर मदर नेम ही केवल गलत है तो मदर नेम सही करना. लेकिन इन तीनों में अगर गलती से अगर आपका कोई एक फील्ड में अगर वो कैंडिडेट नेम है, कैंडिडेट नेम में अगर आपका गलती है तो उसको जरूर सही करिएगा. अगर आपके सही नाम मार्कशीट पर है तो मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही फिल करना है, चाहे आधार कार्ड पर गलत हो तो उसको अपडेट करा लेना. ठीक है, और अगर आधार कार्ड पर सही और मार्कशीट में गलत है तो मार्कशीट के लिए एफिडेविट बनवा लीजिएगा और आधार कार्ड वाला ही नाम यहाँ पर फिल करना है. ठीक है, ताकि आपको आगे आने वाले टाइम में अपना ये जो सही नाम है उसको कंटिन्यू कर पाओ. अब यहाँ बात करते हैं इसमें क्लास 10th के जो भी सारे डिटेल्स उसमें सारे में आप अपडेट कर पाओगे. ठीक है, 12th के सारे जो डिटेल वो भी अपडेट कर पाओगे. कोई भी डाउट होता है कमेंट करिएगा या फिर ग्रुप ज्वाइन करके मुझे मैसेज कर सकते हो, वहाँ भी मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा. जो पैन कार्ड फिल किए हैं वो भी आप इसमें अपडेट कर सकते हो. बहुत सारे लोग हैं जो आपके पेरेंट्स के पैन कार्ड फिल किए हैं. ओके, तो वहाँ पर आप अपना आधार कार्ड या फिर अपना पैन कार्ड डाल सकते हो. ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एग्जामिनेशन सिटी ऑन द परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस. तो यहाँ पर एग्जामिनेशन सिटी जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब डिफरेंट सिटी सेलेक्ट कर सकते हो. मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन सेलेक्ट कर सकते हो. अगर गलती से आपने हिंदी की जगह इंग्लिश कर दिया और इंग्लिश की जगह हिंदी कर दिया तो वहाँ पे आप सेलेक्ट कर पाओगे. ठीक है, अब यहाँ पर देखो इस फील्ड में मतलब डेट ऑफ बर्थ, आपके जेंडर और आपके यहाँ पर जो मेंशन है कैटेगरी, सब कैटेगरी और सिग्नेचर, ये सारा फील्ड आप चेंज कर पाओगे, अपडेट कर पाओगे. जैसे आपके मान लेते हैं कैटेगरी में आपके बहुत सारे फील्ड हैं, जैसे आपके अथॉरिटी नेम है. ठीक है, उसमें कौन सा आपके डेट से बना है वो, और आपका सर्टिफिकेट आईडी नंबर, वो सारे में अपडेट कर पाओगे. बहुत सारे लोग गलत गलत डिटेल फिल कर दिए तो उसको आप अपडेट कर लेना. और इन सारे चीज़ों के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखे हैं कि अथॉरिटी नेम में क्या फिल करने हैं, आपकी सर्टिफिकेट आईडी में क्या फिल करने हैं. वहाँ पर अगर आपके पास एक्नॉलेजमेंट नंबर आ गया होगा तो आप अभी फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. ठीक है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के बता दिए थे. सिग्नेचर अपडेट कर पाओगे. ठीक है, और यहाँ पर पेपर भी ऐड कर पाओगे, मतलब मान लेते हैं अगर आप पेपर BE BTEC 1 के लिए आप सेलेक्ट किए हो और चाहते हो BR के लिए करना तो वो भी ऐड कर सकते हो. ठीक है, यहाँ पर ध्यान जरूर दीजिएगा कि यहाँ पर केवल ओनली वन टाइम करेक्शन विल बी अलाउड टू द कैंडिडेट वंस द करेक्शन आर डन एंड सबमिटेड फॉर्म विल बी फ्रीजन. मतलब कि ऐसा नहीं कि एक बार करेक्ट करके दोबारा फिर से करेक्ट कर पाओ, ऐसा नहीं हो पाएगा, तो एक ही बार हो पाएगा. ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा ये चीज़. और अब चलते हैं कि लॉग इन करके चेक करते हैं कैसे आप करेक्ट कर पाओगे. ओके, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग बार बार पूछते हैं कि भैया PYQ हमको बनाना है तो कौन सा बुक को हम फॉलो कर सकते हैं. और मैं भी आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपको अगर लास्ट के टाइम अच्छा परफॉर्म करना है एग्ज़ाम में तो डेफिनेटली आपको PYQ जरूर बनाना चाहिए. और काफ़ी लोग पूछते हैं कि कौन सा बुक हमको बाई करना चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ कौन सा बुक आप बाई कर सकते हो. तो अगर आपको PYQ बाई करना है तो आप दिशा पब्लिकेशन का आप PYQ बाई कर सकते हो. आप मैथ्स, आप फिजिक्स, आप केमिस्ट्री और मैथ्स के इंडिविजुअली भी बाई कर सकते हो, और फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ये तीनों के कॉम्बो पैक भी आप बाई कर सकते हो, मतलब तीनों एक साथ ही बाई कर सकते हो. ठीक है, इसमें खास ऐसी क्या बात है
जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप दिशा पब्लिकेशन का बाय कर सकते हो। और ऑल्दो मैं अपने टाइम पे भी प्रिपरेशन टाइम दिशा पब्लिकेशन का खुद भी मैं बुक यूज़ करता था PYQ। ओके, तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको जानना जरूरी है कि इसमें ऐसी क्या क्या खास बातें हैं जो आपको इस बुक को बाय करना चाहिए अगर आप PYQ के लिए बुक बाय करना चाहते हो। ओके, देखते हैं वन बाई वन। तो इसमें आपको मेजरली आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज जो है एंड टॉपिक वाइज जो कि न्यू NCERT पैटर्न के बेसिस पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसको आपको न्यू NCERT जो सिलेबस है उसके बेसिस पे डिज़ाइन किया गया है। अब इसमें खास बात क्या है कि जो आपका सिलेबस रिमूव किया गया था, मतलब कि सिलेबस आपका JEE में रिमूव किया गया था, तो उसके क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है, तो ये सबसे अच्छी बात है, ठीक है। टोटल 164 पेपर आपको मिल जाएंगे जिसमें 146 ऑनलाइन पेपर होंगे 2012 से लेकर 2024 तक। अब इसमें सारे शिफ्ट के होंगे, ठीक है, मतलब आपके जो 2024 में पेपर हुए थे उसमें सारे शिफ्ट के पेपर मिल जाएंगे। एंड 18 पेपर जो कि है वो ऑफलाइन है, मतलब 2002 से लेकर 2018 इंक्लूडिंग AIEEE। और इसमें 100% एरर लेस मिलेगा, मतलब यहाँ पर आपको एरर बिल्कुल भी नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। और सबसे फीचर क्या है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट फीचर ऐड किया गया है NCERT लोकेटर इन फ्रंट ऑफ ऑल क्वेश्चन। ये मैं आपको शो करता हूँ, यहाँ पर आपको दिख जाएगा जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके आगे यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कौन से NCERT किस चीज़ NCERT लोकेटर यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। इस क्वेश्चन के आगे यहाँ पे मेंशन किया गया कि कहाँ से आपको ये क्वेश्चन लिया गया, ठीक है। इस क्वेश्चन के आगे यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। यहाँ पे टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज भी यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो ये खास बात है आपके दिशा पब्लिकेशन का। तो आप डेफिनेटली अगर बुक बाई करना चाहो तो आप PYQ के लिए अगर बुक बाई करना चाहो तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स इंडिविजुअली बाई कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंडिविजुअल लिंक भी मिल जाएगा और आपको यहाँ पे कॉम्बो पैक भी मिल जाएगा जो कि आप PCM बाई कर सकते हो एक साथ, मतलब तीनों बाई करना चाहो तो तीनों भी आपको यहाँ मिल जाएगा, तो आप जाकर बाई कर सकते हो। ओके, सो अभी हम लोग आ गए हैं आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि करेक्शन विंडो पोर्टल का यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पर जस्ट इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। और जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो लॉगिन करने के लिए आपको एप्लीकेशन नंबर मिला होगा, वहाँ पर सिंपली आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालो, पासवर्ड डालो और कैप्चा डालो, फिर उसके बाद साइन इन करोगे, यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लॉगिन करते हैं। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम लोग लॉग इन हो चुके हैं, ठीक है। अब क्या करना है कि आपको एडिट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको देख सकते हैं करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो इस पर क्लिक करते हैं सिंपली, आपको जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आ जाएगा करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर सिंपली इसको क्लिक करो और जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। मैं इसको इंग्लिश में चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे देख रहे हो यहाँ पे ऐसे OTP का मांग रहा है ऑप्शन, ठीक है। तो OTP यहाँ पे सिंपली आपको डालना है, जो OTP आपको मोबाइल नंबर पे गया होगा, ठीक है। तो यह ध्यान रखिएगा OTP जरूर चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं OTP आपको क्लिक करता हूँ, क्लिक OTP डाल लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे ही इसके बाद आगे जाओगे वेरीफाई एंड प्रोसीड फॉर करेक्शन करोगे, आपको यहाँ पर जो फील्ड में करेक्शन करना है वो दिख जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम लोग कॉन्टैक्ट डिटेल में यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पर हमको जो जो यहाँ पे करेक्शन करना है वो हम कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हमको इसमें एड्रेस में नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे सिंपली एड्रेस में होगा भी नहीं तो यहाँ पे कुछ नहीं हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आ जाओ पर्सनल डिटेल में, तो पर्सनल डिटेल में यहाँ पे सिंपली आ जाते हैं, ठीक है। तो पर्सनल डिटेल में यहाँ पर हम लोग जो जो करेक्शन का ऑप्शन आएगा, आपको देखो यहाँ पर करेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। जैसे OBC NCL का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, तो हम लोग इसमें दूसरा कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर डाले हैं वो उसको अपडेट कर सकते हैं और करके यहाँ पर क्या करेंगे, फाइनल कैप्चा इंटर करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको चेंज नहीं करना है, मैं जस्ट आपको बताने के लिए बता रहा हूँ। तो इसको सिंपली हम लोग फाइनल कैप्चा डाल लेते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद सबमिट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर अगर आपको चेंज करना होगा तो उसको वहाँ पे अपडेट करके यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा, तो वहाँ पे आपका सबमिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है योर आइडेंटिटी हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड विद आधार दिस दिस, और इसको यहाँ क्या करना है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट पे आते हैं और फिर उसके बाद मान लेते हैं अगर आपको एग्जाम डिटेल में कुछ चेंज करना है तो आप इसको चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे कैप्चा डाल के मान लेते हैं जैसे कि जैसे यहाँ पे कोई भी अगर आपको डिटेल चेंज करना होगा, यहाँ पे एग्जामिनेशन सिटी जो कोई भी डिटेल चेंज करना होगा, या फिर आपको यहाँ पे एग्जाम जो ऐड करना हो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कैप्चा डाल के हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अगर चेंज करना होगा तो आप चेंज कर सकते हो, और चेंज नहीं करना होगा तो आप चेंज ना करके उसको सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके आप आगे बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो भी आपको चेंज करना हो कर सकते हो। अब यहाँ पे 10th के जो भी क्वालिफिकेशन डिटेल है, यहाँ पे जो भी आप नंबर मान लो 600 डाले हो या फिर 500 डाले हो, कोई भी डाल के यहाँ पे आगे बढ़ सकते हो, मतलब जो भी आपको अपडेट करना होगा, ठीक है। सारा कुछ यहाँ पे चेंज कर पाओगे, जो भी स्कूल नेम है सब कुछ चेंज कर पाओगे। तो यहाँ पर सिंपली क्या कर सकते हो, अगर आपको चेंज करना है तो चेंज कर लो, अदरवाइज नहीं चेंज करना है तो आप यहाँ पर कैप्चा डाल के सिंपली आपको क्या करना है, आगे बढ़ जाना है, ठीक है। कुछ करना नहीं है आपको, ठीक है।
अगर आपको कोई भी अपडेट नहीं करना है, मैं तो जस्ट आपको बता रहा हूँ क्या क्या करना है, तो यहाँ पर सिंपली आप आगे बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एडिशनल डिटेल है यहाँ पे, तो ये तो आपको एडिशनल डिटेल में चेंज नहीं होगा। देखो यहाँ जैसे यहाँ पर बर्थ जो प्लेस है वो तो इंडिया ही रहने वाला है, स्टेट और ये डिस्ट्रिक्ट भी चेंज नहीं होगा, और जैसे यहाँ पर जो भी चेंज नहीं होगा यहाँ पर आपको ऐसे एरो आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर सिंपली आप चेंज नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पर कैप्चा हम डाल लेते हैं, और कैप्चा डाल के सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। ओके सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। जैसे सेव एंड नेक्स्ट करोगे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाएगा, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल में आप नहीं चेंज कर पाओगे, ठीक है, इसमें। तो बाकी हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ जाते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो कैसे आपको चेंज करना है, सारा कुछ मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड वाले सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपको कि इसमें करेक्शन अलाउ नहीं है, यहाँ पे आप यहाँ पे सिग्नेचर चेंज कर सकते हो, क्लास 10th का भी चेंज कर सकते हो चूज़ फाइल करके। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ सेव एंड नेक्स्ट में आ जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को चेंज नहीं करना है। इसको क्या करते हैं क्लोज करते हैं। ओके अब यहाँ पे रिव्यू पेज आ गया, फाइनल सबमिट करोगे तो यहाँ पे आपको सबमिट हो जाएगा, सारा कुछ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे सिग्नेचर, यहाँ पे फोटो, सारा कुछ दिख रहा है, तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे क्या करना है आपको। मेरा नाम, ये सारा कुछ चेकबॉक्स कर देना है, ठीक है, ताकि आपका सब कुछ सही है। ओके इसमें कुछ करेक्शन नहीं करना था मेरे को इस एप्लीकेशन फॉर्म में, बस मैंने आपको दिखाने के लिए आपको इसको लॉगिन किया। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसको सारे को चेकबॉक्स कर लेना है और आई एग्री पे करके फाइनल सबमिट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे यस पे क्लिक कर देते हैं क्योंकि सारा कुछ हमारा सही है। अब यहाँ पे फाइनल मेरा करेक्शन हो चुका है। ओके आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया कैसे करना है, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।